नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS Mathematics क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 का 24 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिनमें से एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर दिए गए हैं, V3 ओवर R का एक वेक्टर दिया गया है U। कहने का मतलब है कि सेट और कि तीन टपल्स के सेट का आपको कोई एलिमेंट दिया गया है U। ठीक है, और साथ के साथ इसके दो और एलिमेंट मतलब वैक्टर, दो और वेक्टर दिए गए हैं U1 और U2। ठीक है, एक वेक्टर तो U दिया गया, दूसरे क्या दो वेक्टर कौन कौन से दिए गए, U1 और U2। ठीक है, तो आपको K का वह मान फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये वेक्टर U इन दोनों वेक्टर्स U1 और U2 का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक भाई, आपको K का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए वेक्टर U, वेक्टर U1 और वेक्टर U2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है V3 ओवर R। ठीक है, V3 ओवर R क्या होता है, V3 ओवर R है कि वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर तीन टपल्स का सेट। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के सेट पर तीन टपल्स का सेट मतलब वास्तविक संख्याओं के का जो सेट है, मतलब जो फील्ड दिया गया है आपको, फील्ड R प्लस टोट पर तीन टपल्स का सेट दिया गया है। ठीक है, जिसको किससे व्यक्त करोगे, V3 ओवर R से। इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे थ्री टपल्स टाइप के। ठीक है भाई, किस टाइप के एलिमेंट होंगे, थ्री टपल्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे टपल्स के प्रत्येक एलिमेंट, जो टपल्स का प्रत्येक एलिमेंट है x, y, z, वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, वो फील्ड R को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है भाई, वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, वो बिलोंग कर रहा होगा फील्ड R को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस दिया गया है। ठीक है, फिर इस वेक्टर स्पेस का आपको एक वेक्टर दिया गया है U, और साथ के साथ दो और वेक्टर दिए गए हैं U1 और U2। ठीक है, तो आपको शो करना है कि K के किस मान के लिए ये वेक्टर U इन दो वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, कि ये वेक्टर U इन दो वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप सबसे पहले लिखिए। तो आपको दिया गया है V3 ओवर R फील्ड F प्लस टोट पर सदिश समष्टि है। फील्ड F प्लस टोट पर क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, क्या है, सदिश समष्टि, डेट इज V3 ओवर R बराबर क्रमित त्रिक x, y, z सच डेट x, y, z किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड R को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको क्या दिया गया है, तथा U = 5, k, 7 V3 ओवर R का कोई सदिश है। ठीक भाई, यहाँ पे ये जो वेक्टर है U, ये क्या है, V3 ओवर R का कोई सदिश है। डेट इज U belongs to V3 ओवर R, डेट इज U belongs to V3 ओवर R। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, साथ के साथ दो और वेक्टर दिए गए U1 और U2। ठीक है, दो और वेक्टर दिए गए U1 और U2, और वो भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, इस सदिश समष्टि को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तथा U1 = 1, -5, 3
यू टू बराबर 3, 2, 1 v3 over rk कोई अन्य दो सदिश है, कोई अन्य दो सदिश है। ठीक है भाई, ये क्या है, कोई अन्य दो सदिश है। डैट इज u1, u2 belongs to v3 over r। u1, u2 belongs to v3 over r। अब देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि के किस मान के लिए सदिश u1, u2 का एक घात है, u1, u2 का एक घात है संचय होगा, एक घात है संचय होगा। ठीक है भाई, u क्या होना चाहिए, के किस मान के लिए u1, u2 का एक घात है संचय होगा। ठीक है, अब देखिए u1 और u2 का एक घात संचय है तो आप क्या कह सकते हो कि दो आर्बिटरी स्केलर अल्फा और बीटा इस प्रकार से होंगे कि u को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, दो आर्बिटरी स्केलर की बात हो रही है तो सबसे पहले आप दो आर्बिटरी स्केलर मानिए फील्ड R से, माना अल्फा कॉमा बीटा फील्ड R+ डॉट के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं। डैट इज ईच अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब यू बराबर अल्फा यू वन प्लस बीटा यू टू, तब u बराबर क्या होगा, अल्फा यू वन प्लस बीटा यू टू, जहाँ पर अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पर आर्बिटरी अल्फा बीटा फील्ड r को बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए u को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा आपने, यू वन और यू टू के। अब देखिए u बराबर क्या है, u बराबर है आपका 5, k, 7 बराबर अल्फा इंटू वन कोमा माइनस फाइव कोमा थ्री प्लस बीटा इंटू 3, 2, 1। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इन दोनों को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये भी वेक्टर हो जाएगा और ये भी वेक्टर हो जाएगा, और दो वेक्टर का एडिशन भी क्या होता है, अगेन दो वेक्टर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी एक वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्या है, 5, k, 7 बराबर α-5α, 3α + 3β, 2β, β। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का आपको क्या करना है, एडिशन करना है, तो किस प्रकार से करोगे, इनके संगत जो भी एलिमेंट है उनका उसी के साथ सम करोगे, मतलब प्रथम घटक का प्रथम घटक के साथ, द्वितीय घटक का द्वितीय घटक के साथ, और तृतीय घटक का तृतीय घटक के साथ। तो देखिए 5, k, 7 बराबर α+3β-α+2β, 3α+β। ठीक है, अब दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं, दोनों के दोनों वेक्टर समान वेक्टर हैं। ठीक है, दोनों के दोनों वेक्टर समान वेक्टर कब कहलाएंगे, जब इनके संगत घटक हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहने का मतलब 5 बराबर होना चाहिए α+3β के बराबर होना चाहिए 5α+2β के, और 7 बराबर होना चाहिए 3α+β के। ठीक है, तो देखो चूंकि दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं, चूंकि दो सदिश
समान सदिश कहलाते हैं, चूंकि दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि यदि इनके संगत घटक यदि इनके संगत घटक समान हो, यदि इनके संगत घटक क्या हो, समान हो। ठीक है, डेट इज अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 5। ठीक है, 5 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर के, और 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक है, 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब देखिए आप यहाँ से इस इक्वेशन में अल्फा प्लस 3 बीटा है, जबकि इस इक्वेशन में 3 अल्फा प्लस बीटा है। आप क्या करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से ये इक्वेशन घटा दो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 में से 3 को घटा दो। ठीक है, क्या करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर अगेन 1 में से घटा दीजिए। तो देखिए, तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 5 माइनस 9 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 21। अभी आप फर्स्ट में से थर्ड घटा रहे हो तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 5 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का 16। 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल, तो ये जीरो आ गया। अल्फा में से 9 अल्फा गए तो कितने हो गए, माइनस 8 अल्फा। कहने का मतलब है माइनस 8 अल्फा बराबर है माइनस 16 गए, डैट मीन्स अल्फा बराबर 2। और जब अल्फा बराबर 2 है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, जब अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू है माइनस 5 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, माइनस 5 अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा की जगह क्या रखो, 1, तो अल्फा की जगह मैंने रख दिया 1 और बीटा की, सॉरी अल्फा की जगह रख दिया मैंने 2 और बीटा की जगह रख दिया 1। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8, क्योंकि माइनस 5 इंटू 2 कितना हो, 10, माइनस 10 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस का 8। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, कि के बराबर 8 के लिए वेक्टर यू, वेक्टर यू वन और यू टू का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता हुआ। अब इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और इसके बाद नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इस एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल है 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न सदिश समष्टि V3 ओवर R को विस्तृति करते हैं, V3 ओवर R को विस्तृति करते हैं।
ठीक भाई, क्या सिद्ध करना है कि जो ये सदिश हैं ये क्या करते हैं, वी थ्री ओवर आर को विस्तृति करते हैं। और कौन कौन से सदिश हैं? सदिश हैं आपके यू वन बराबर 1, 2, 3, यू टू बराबर 0, 1, 2 और यू थ्री बराबर है 0, 0, 1। ठीक है, 0, 0, 1। तो ये तीन वेक्टर दिए गए हैं किसके, वी थ्री ओवर आर के। और आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या हैं, वी थ्री ओवर आर को विस्तृत करते हैं। कहने का मतलब है कि सदिश समष्टि के किसी भी वेक्टर्स को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको एक सदिश समष्टि वी थ्री ओवर आर दी गई, जिसमें एलिमेंट किस टाइप के, जिसमें एलिमेंट क्रमित त्रिक टाइप के हैं। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आपको तीन वेक्टर दिए गए यू वन यू टू और यू थ्री। ठीक है, तीन वेक्टर आपको दिए गए यू वन यू टू और यू थ्री। तो आपको सिद्ध करना है कि इसके किसी भी वेक्टर को इन तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसके किसी भी वेक्टर को इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखिए, सबसे पहले दिया गया है v3 ओवर r r प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है, r प्लस डॉट पर सदिश समष्टि है। ठीक है भाई, क्या है, सदिश समष्टि है, v3 ओवर r बराबर x, y, z सच डैट x, y, z बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई, तथा u1 बराबर 1, 2, 3 u2 बराबर 0, 1, 2 और u3 बराबर 0, 0, 1। ठीक है, u3 बराबर 0, 0, 1 v3 ओवर r के कोई तीन सदिश हैं। क्या है, v3 ओवर r के कोई तीन सदिश हैं। डेट इज ईच u1, u2, u3 बिलोंग्स टू v3 ओवर r। ठीक है, डेट इज ईच u1, u2, u3 या वैसे लिखो डेट इज u1, u2, u3 किसको बिलोंग कर रहे हैं, v3 ओवर r को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि दिए गए वेक्टर या दिए गए सदिश v3 ओवर r को विस्तृति करते हैं। क्या करते हैं, विस्तृति करते हैं। डेट इज विस्तृति का मीनिंग क्या होता है, डेट इज सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश को u1, u2, u3 के एक घातीय संचय में लिख सकते हैं, u1, u2, u3 के एक घातीय संचय में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनके एक घातीय संचय में लिख सकते हैं। अब देखिए कि सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो पहले तो एक वेक्टर मानिए, ठीक है, फिर उस वेक्टर के लिए को क्या करना है, इन तीनों सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको तीन आर्बिटरी स्केलर लेने होंगे और उस सदिश को इन तीन सदिश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। ठीक है,
क्या करना होगा, उस सदिश को इन तीन सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। अब देखिए, माना माना एक्स कोमा वाई कोमा जेड, या फिर माना माना यू बराबर एक्स कोमा वाई कोमा जेड वी थ्री ओवर आर का, वी थ्री ओवर आर का कोई स्वेच्छ सदिश है, वी थ्री ओवर आर का कोई स्वेच्छ सदिश है, डैट इज ईच यू बिलोंग्स टू वी थ्री ओवर आर, डैट इज ईच यू बिलोंग्स टू वी थ्री ओवर आर, ठीक है। तथा माना अल्फा वन, या फिर तथा अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा गामा फील्ड आर के कोई तीन स्वेच्छ अवयव है, ठीक है भाई, क्या है, कोई तीन स्वेच्छ अवयव है, डैट इज डैट इज ईच अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर, डैट इज ईच अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। तब भाई जब ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर इसका स्वेच्छ सदिश है, और आपको पता है कि सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तब u बराबर अल्फा u1 प्लस बीटा u2 प्लस गामा u3। u का मान क्या है, u का मान है x कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, बराबर अल्फा इंटू यू वन का मान क्या है 1 2 3 प्लस बीटा इंटू यू टू का मान क्या है 0 1 2 प्लस गामा इंटू 0 0 1, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, वेक्टर है, इन वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, वेक्टर ही हो जाएंगे। अगेन मतलब डॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष जो भी उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएंगे, ये अगेन वेक्टर बन जाएंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, वेक्टर बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, बीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, और गामा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर अल्फा कॉमा टू अल्फा कॉमा थ्री अल्फा प्लस 0 कॉमा बीटा कॉमा 2 बीटा प्लस 0 कॉमा 0 कॉमा गामा। अब देखो तीनों वेक्टर का एडिशन करना है, तो किस प्रकार से करोगे कि इनके संगत घटक है उन सब का सम करोगे, जैसे इस वेक्टर का प्रथम घटक का एडिशन इस वेक्टर के प्रथम घटक से और इसी के वेक्टर के प्रथम घटक से होगा, सेकंड जो घटक है उसका एडिशन भी इनके सेकंड घटक से होगा, और थर्ड जो घटक है मतलब कंपोनेंट वो इनके थर्ड कंपोनेंट से योग होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर एल्फा कोमा टू एल्फा प्लस बीटा कोमा थ्री एल्फा प्लस टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो ये दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर कब बराबर होते हैं, जब इनके के संगत कंपोनेंट क्या होने चाहिए, इनके करस्पोंडिंग कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखिए यहाँ से दोनों वेक्टर बराबर होंगे तो क्या क्या कंडीशन है, एक्स का मान क्या होना चाहिए अल्फा, ठीक है, वाई का मान क्या होना चाहिए टू अल्फा प्लस बीटा, और जेड का मान क्या होना चाहिए थ्री अल्फा प्लस टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। इस इक्वेशन को मान लिया आपने वन, ठीक है, इस इक्वेशन को आपने क्या मान लिया वन, इसको मान लिया टू, और इसको मान लिया आपने थ्री। अब देखिए एक्स बराबर क्या है, अल्फा है, एक्स बराबर अल्फा है, तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा बीटा और गामा की, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू एक्स है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्स रिप्लेस करो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बीटा की। तो देखो समीकरण एक व दो से, ठीक है, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बराबर टू एक्स प्लस बीटा, ठीक है,
दिस इम्प्लाइज बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा बीटा बराबर वाई माइनस टू एक्स, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब देखो, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गामा की। गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। अल्फा की वैल्यू एक्स है और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, वाई माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे किस किस इक्वेशन क्या ले सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन नंबर 3 की और इक्वेशन नंबर 4 की। ठीक है, किस किस की हेल्प ले सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1, 3, 4 की हेल्प ले सकते हो। तो देखो, समीकरण 1, 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 1, 3 व 4 से। ठीक है, आप देखो क्या लिख सकते हैं आप, जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3, अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, प्लस गामा। अब देखो गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर इसे जो टर्म इन टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, गामा बराबर जेड माइनस 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, गामा बराबर हो जाएगा जेड माइनस 3x माइनस 2y प्लस 4x। ठीक है, तो गामा बराबर हो जाएगा 4x माइनस 3x हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, x गामा बराबर x माइनस 2y प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपने स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहाँ से आपने स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो आप कर क्या सकते हो, अब आप इसके प्रत्येक वेक्टर को किस प्रकार से लिखोगे, अतः सदिश समष्टि के, अतः सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश को, सदिश समष्टि के प्रत्येक सदिश को, प्रत्येक सदिश को u1, u2, u3 के एक घातीय संचय में निम्न प्रकार लिखा जाता है, u1, u2, u3 के एक घातीय संचय में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से लिख सकते हो, देखिए आप लिख सकते हो इसको u बराबर x कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर एक्स इंटू 1, 2, 3। ठीक है, प्लस वाई माइनस 2x इंटू 0, 1, 2 प्लस एक्स माइनस 2y प्लस जेड इंटू 0, 0, 1। ठीक है, तो आप इसके किसी भी वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हो, आप इसके किसी भी वेक्टर लीजिए आर्बिटरी वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल आपका, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल देख लीजिए, आपको v3/rk 3 वेक्टर दिए गए हैं, v3/rk 3 वेक्टर v1, v2, v3 दिए गए। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या है, वेक्टर हैं v1 बराबर तो है 1, 1, 0, v2 बराबर है 1, 1, 1 और v3 बराबर है 2, 1, 3। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि ये जो वेक्टर हैं ये क्या है, li वेक्टर है। ठीक है भाई, ये जो तीनों वेक्टर हैं ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या है, li वेक्टर है। एल आई वैक्टर शो करना है तो करना क्या होगा,
तीन आर्बिटेरी स्केलर लीजिए फील्ड आर से, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को आपको करना क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन को आपको जीरो के बराबर तो शो करना ही है, साथ के साथ ये भी शो करना है कि ये तीनों स्केलर क्या होंगे, तीनों स्केलर जीरो होंगे। ठीक है भाई, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, आपको तीन वेक्टर दिए गए हैं, आप सबसे पहले तीन स्केलर लीजिए फील्ड आर से, अल्फा बीटा गामा, फिर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन क्या रखो, जीरो के बराबर रखो, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करो, और अगर वो जीरो के बराबर आ जाए तो वेक्टर हो गए एल आई, लेकिन अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, एल डी, जबकि आपको शो क्या करना है, एल आई वेक्टर, एल आई वेक्टर शो करना है, तो आपको ये तीनों के तीनों वेक्टर क्या करने पड़ेंगे, सॉरी तीनों के तीनों स्केलर को क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर शो करना पड़ेगा। अब देखिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा इंटू 1,1,0 प्लस बीटा इंटू 1,1,1 प्लस गामा इंटू 2,1,3, किसके बराबर रखो, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा यहाँ पे 0,0,0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इनको जब आप स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर से, फिर एडिशन करते हो, तो क्या मान आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2,, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस 3,, बराबर 0,0,0। अब देखते हो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो के बराबर है, जबकि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा जीरो के बराबर है। कहने का मीनिंग है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा जीरो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी जीरो है, और बीटा प्लस 3 गामा भी जीरो है। इस इक्वेशन का मान इसमें रिप्लेस करो, ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी गामा, गामा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, इस गामा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जब गामा और बीटा जीरो है तो इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब है तीनों के तीनों स्केलर क्या है, जीरो है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये जो तीनों वैक्टर है, ये तीनों वैक्टर क्या है, एल आई वैक्टर है, तीनों के तीनों वैक्टर क्या है, एल आई वेक्टर हैं। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, साथ के साथ इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल और बच रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन एग्जांपल्स को कंप्लीट कराने के पश्चात कुछ हम नई थ्योरम्स की बात करेंगे, साथ के साथ कुछ नई डेफिनेशंस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।